बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट्स और जाने माने कपल आसिम रियाज और पंजाबी सिंगर हिमांशी खुराना कई बार इन दोनों को साथ में देखा गया है। वहीं आसिम और हिमांशी की जोड़ी को काफी पसंद भी किया जाता है। साथ ही आसिम और हिमांशी ने म्यूजिक वीडियोस में काम भी किया है। वहीं इसी बीच एक बार फिर से आसिम रियाज और हिमांशी खुराना को स्पॉट किया गया है, जहां पर आसिम रियाज और हिमांशी खुराना ने मीडिया से बातचीत भी की है। वहीं आपको बता दें कि आसिम रियाज और हिमांशी खुराना ने आसिम के भाई उमर रियाज के बारे में बातचीत की है। उमर रियाज जल्द ही बिग बॉस 15 में नजर आने वाले हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आसिम और हिमांशी ने मीडिया से क्या कहा। लवली मैन, कांग्रेचुलेशंस। बिग बॉस के यस क्या सलाह दे रहे हैं आप बिग बॉस के लिए? सलाह नहीं, इट्स अ रियलिटी शो, तो जो रियल आदमी है उसके लिए वो बढ़िया होगा। एंड इज माय ब्रदर मैन, आई एम रियली हैप्पी। और देखते हैं अब आगे क्या होता है। थैंक यू गाइस। हिमांशी मैम, आप क्या कहना चाहिए? सर अभी बिग बॉस में जा रहे हैं। सर बहुत जल्दी अपने घर के बाहर बिग बॉस फैमिली लिखवाने। एक्चुअली यू नो, बट नो, इट्स जस्ट अ ब्लेसिंग जो चीजें हो रही है। जस्ट ऑडियंस इतना प्यार दे रही है और मेरे भाई को भी मौका दिया उन्होंने। सो आई जस्ट फील ब्लेस्ड एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहो इंशाल्लाह। एंड लेट्स सी उमर क्या करता है, एंड होपफुली यू नो, लेट्स सी। भाई मिलने जाओगे? भाई अच्छा है। आपका जो सॉन्ग आया था सर, वो काफी पसंद आया लोगों को, क्या कहना चाहिए? आपने बहुत अच्छी तरह से किया था सॉन्ग। कौन सा गाना पसंद? जो हिप हॉप में आपने किया था, बिल्ट इन पे। यस यस सर, यस यस, बहुत अच्छा जस्ट द सपोर्ट मैन। साथ में आ जाइए ना, एक साथ एक विजुअल, साथ में एक विजुअल प्लीज आ जाओ। कौन सा गाना आ रहा है? आप बाहर आ जाओ, छोड़ दूंगी तो सीधा ऐसे। आप दोनों साथ में कब आ रहे सॉन्ग में? अभी कौन सा आ रहा है? गाना गल्ला पोलिया करके गाना है, पंजाबी गाना है और हिमांशी ने गाया है वो। एंड जैसे एक रैप सॉन्ग मैंने किया और हिमांशी उसमें हम कोलैबोरेट करें, वैसे मैंने भी किया। सो Everything is good, looking good, and thank you so much. लेकिन आप मुंबई की मीडिया से आप इंटरेक्ट ज्यादा नहीं करते, आप भाग जाते हैं। नहीं भागता नहीं हूँ मैं, ऐसा नहीं है। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच, बाय, बेस्ट ऑफ लक। ओके, लवली मैन, ओके।